हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृताज डेली लाइफ। आज मैं जो रेसिपी शेयर करूंगी वो डेजर्ट रेसिपी है। और अभी नवरात्रि सीजन टाइम चल रहा है और बंगाली दुर्गा पूजा जो है ना पितृपक्ष मतलब महालया हो गया है, तो हम लोग अभी पूजा जो फेस्टिवल मूड में हैं। तो दुर्गा पूजा का जो जो लास्ट डे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग दोस्त लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं, फिर स्वीट्स ये सब हम लोग एक्सचेंज करते हैं। तो उसी को दिमाग में रखते हुए आज की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। जो लड्डू हम बनाते हैं नारियल की, उसी की सेम रेसिपी ही है, बस मैंने दोनों डिफरेंट लड्डू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर एक बनाने के लिए मैंने लिया है कैरेट, कैरेट को अच्छे से स्मूथ ग्रेट कर लिया है। तो ग्रेट आप कर सकते हैं आपका जो है अवेलेबल उसी ग्रेटर यूज़ करके, ऐसे जो हलवे के लिए हम ग्रेट करते हैं सेम वे में मैंने ग्रेट कर लिया है। और दोनों रेसिपी के लिए मैंने नारियल का ही यूज़ किया है। और एक चीज़ है वो है पनीर, जो बाज़ार में मिलता है वही सिंपल क्रीम पनीर मैंने यूज़ किया है। और आज का जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ उसमें कुछ डेकोरेशन मैंने किया है, वो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप ऐसे बना सकते हैं और ऐसे प्लेट में सजा के सर्व कर सकते हैं, सभी को पसंद आएगा। ऐसे ही हलवे जैसे बनाते हैं ना, वैसे ही कैरेट को स्मूथ करके हमें कुक करना है। बिल्कुल घी में, देसी घी यूज़ करना ज़रूरी है टेस्ट अच्छा टेस्ट के लिए और फ्लेवर के लिए। और अभी जो गाजर जो है ना वो जब स्मूथ हो जाएगा उस टाइम हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा कोकोनट, और ये मैंने ऐड कर दिया है पनीर, ज़्यादा नहीं क्योंकि कैरेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए और पनीर थोड़े से कम, और नारियल भी, क्योंकि ये जो लड्डू मैं बनाऊंगी इसमें मैं कैरेट का यूज़ कर रही हूँ। उसका जो ऑरेंज कलर है ना, ये कलर ये लुक के लिए ही मैंने कैरेट का चूज़ किया है। और बहुत कुछ डाल सकते हैं लड्डू बनाने के लिए जो हम लोग मतलब जो कलरफुल बनाने के लिए, तो मैंने आज ये बनाने के लिए मैंने ऑरेंज कलर बनाने के लिए यहाँ पे कैरेट का ही यूज़ किया है, फूड कलर नहीं यूज़ किया है। अब कॉन्डेंस मिल्क डाल रही हूँ लास्ट, तो और भी ज़्यादा ये स्मूथ हो जाएगा। एकदम एंड में मैंने ऐड किया है जैगरी पाउडर, उससे भी कलर थोड़ा डार्क ऑरेंज बन जाता है, तो आप यही यूज़ करना, चीनी मत डालना। तो आप देखेंगे कि ये जो कैरेट वाला लड्डू है ना, ये बहुत ज़्यादा काला टाइप का भी नहीं बनेगा, मतलब ज़्यादा डार्क टाइप का भी नहीं बनेगा और लाइट भी नहीं, मतलब ये ऑरेंज ही पक्का वही बनेगा। और जो यहाँ पे मैंने जैगरी पाउडर यूज़ किया है इसमें, ये भी बहुत अच्छा होता है कैलोरी के लिए, जो कैलोरी कॉन्शियस है, जो जिन्हें जो लोग चीनी शुगर नहीं खाते हैं उनके लिए भी ये जैगरी पाउडर बहुत ही अच्छा एक है। इसमें स्वीट, ये स्वीट भी बनाता है और इसमें कैलोरी कम भी रहता है, तो ये इससे भी हम अच्छे से कलर के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, इसको भी हमें ठंडा करना है, तो इसको मैं छोड़ दूँगी कुछ टाइम के लिए। फिर इसी पैन में ही दूसरी जो रेसिपी मैं आज शेयर कर रही हूँ वो भी इसी पैन में ही पकाऊँगी। सेम रेसिपी है, कुछ थोड़ा सा ही मैंने इसमें चेंजेस किया है, आप करके देख सकते हैं आपको कैसा लगेगा। तो और ये जो छोटा सा प्लेट मैंने यूज़ कर रही हूँ इसमें कुछ घी वगैरह नहीं डाला है क्योंकि मैं बर्फ़ी नहीं बनाऊंगी, लड्डू बनाऊंगी तो हाथ में ही हो जाएगा। ये काफ़ी अभी गर्म है और गाढ़ा भी बन गया है, तो टेंशन नहीं है, लड्डू भी अच्छा बनेगा। और लड्डू बनाने के बाद जब सब कंप्लीट ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद 3-4 घंटा फ्रिज में रख दीजिए, बस उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अभी मैं जस्ट इसको लड्डू बनाऊंगी, अभी काफ़ी ठंडा हो चुका है तो हाथ में मैं ले सकती हूँ। मैंने इसमें एक्स्ट्रा कोई घी हाथ में तो ऐड नहीं किया है, काफ़ी घी छोड़ रहा है ये ऑलरेडी, तो ये ऐसे ही अभी लड्डू बनाना है। और लड्डू को आप अच्छे से शेप भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑरेंज की शेप देने की कोशिश की है, और कुछ भी आप दे बना सकते हैं करके, डिज़ाइन आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और इसमें मैंने दालचीनी का भी यूज़ किया है, तो इससे ना ऊपर एकदम छोटा छोटा फ्रूट जैसा लग रहा है, तो ऐसे आप कर सकते हैं।
तो अभी क्योंकि जो विजयादशमी होते हैं, जो दुर्गा पूजा का जो एंड वाला दिन डे होता है, जब देवी विसर्जन होते हैं, हम बंगाली लोग स्वीट एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, तो घर में जाके तो हम लोग ऐसे कई तरह के डेजर्ट रेसिपी बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं। तो उस टाइम के लिए ही मैंने सोचा कि ऐसे आप कुछ अलग डिफरेंट कुछ बना सकते हैं। तो ऐसे देखिए, मैंने सारा जो लड्डू है ना ऐसे बना के तैयार कर लिया है, और डिज़ाइन भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी। तो दूसरे जो रेसिपी है उसके लिए भी मैंने अभी तैयार स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा मुझे पैन में घी डालना है, और नारियल जो है उसको जो मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है, फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, उसको इसी पैन में ही थोड़ा सा मुझे चला लेना है, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट उसमें मैंने यहाँ पे ऐड किया है थोड़ा सा शुगर, और यहाँ पे ऐड किया है वही पनीर, जो बहुत मतलब नारियल का क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा पनीर भी इसमें ऐड कर लिया है नारियल के साथ, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे वाइट कलर ही मुझे रखना है, तो वाइट कलर रखने के लिए मैंने यहाँ पे जैगरी पाउडर बिल्कुल नहीं यूज़ किया है, उससे कलर डार्क हो जाता है। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें शुगर। तो अब अगर शुगर आपको नहीं यूज़ करना है, आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं या फिर शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे शुगर ही ऐड कर लिया है। आप चाहो थोड़ा मिल्क पाउडर भी, जो 10 रुपये वाला बाज़ार में मिलता है वो वाला मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और बाइंडिंग के लिए अगर आपको लग रहा है कि बाइंडिंग ज़रूरी है, मतलब ज़्यादा ये मुश्किल हो रहा है बनाने लड्डू बनाने के लिए, तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर दो, तो काफ़ी अच्छा लड्डू बन के तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो इससे कलाकान भी बना सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से भी पक चुका है मेरा जो नारियल, और ये मैंने लिया है पनीर वाला जो है ना मिक्सचर, ये अच्छे से कुक हो चुका है। मैं अभी ऐड कर रही हूँ 3-4 चम्मच कंडेंस मिल्क। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्वांटिटी के हिसाब से ही कंडेंस मिल्क ऐड करना है। अगर आप चाहो तो घर में बनाया हुआ खीर या फिर मलाई भी यूज़ कर सकते हैं इसको स्किप करके। तो ये ना जो ऐड करने के बाद ज़्यादा गाढ़ा होगा और स्वीटेंड भी होगा। तो ये मेरा हो गया है, अभी इसको मैं छोड़ दूँगी, ठंडा करूँगी बिल्कुल ठंडा, और उसके बाद ही लड्डू बनाऊँगी। और ये जो लड्डू हम ऐसे ही कॉमन वे ये होता है हमेशा, मतलब ऐसे ही हम बनाते हैं, ऐसे कुछ नया कुछ नहीं। तो आप थोड़ा सा इसको यम्मी बनाने के लिए मैंने या कुछ और इसके अंदर बादाम वगैरह या फिर ड्राई फ्रूट्स कुछ और भी डाल सकते हैं। मैंने आज इसमें चोको चिप्स ऐड किया है नारियल लड्डू के अंदर, और ऊपर भी कुछ डेकोरेशन के लिए चोको चिप्स जो मेरे फ्रिज में अवेलेबल था मैंने उसी का यूज़ किया है। आप कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट आइडिया भी लगा सकते हैं दिमाग से, तो क्या होता है तो थोड़ा आपका जो डिश है ना तो अलग बनेगा और अट्रैक्टिव भी बनेगा, सभी लोग तारीफ भी करेंगे। तो ये देखिए मैंने चोको चिप्स लिया है, और आप चाहो तो ना ये लड्डू जब आप ठंडा हो जाएगा जो मिक्सचर, तो उससे आप चोको चिप्स डाल सकते हो, फिर लड्डू बना सकते हो, ताकि मुंह में जब हम बाइट करेंगे ना तो चिप्स आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। तो ऐसे ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो ऐसे मैंने वाइट वाला लड्डू भी तैयार कर लिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप भी तैयार कर सकते हैं ऐसे रेसिपी पूजा वगैरह में डालने के लिए, भगवान जी को चढ़ाने के लिए। अगर आपके पास घर में मेहमान आने वाले हैं तो उनको भी आप सर्व कर सकते हैं ये बना के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई रेसिपी के साथ या फिर कोई व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सभी को दुर्गा पूजा का शुभकामनाएं और नवरात्रि का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।